रोहित शर्मा 4 दिन में दूसरी बार हुए चोटी। महा मुकाबले से पहले नेट्स में हाथ पर लगी गेंद। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 9 जून को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला खेलने मैदान पर उतरेगी। मगर इस मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान को लेकर फैंस की टेंशन बढ़ा देने वाली खबर आ रही है। महा मुकाबले की तैयारी में जुटी टीम इंडिया की उस समय टेंशन बढ़ गई जब नेट्स में रोहित शर्मा के हाथ पर गेंद लग गई, जिसके बाद वो नेट्स से चले गए। दरअसल 4 दिन पहले आयरलैंड के खिलाफ भी रोहित के वहाँ पर गेंद लगी थी, जिस वजह से वो अपनी पारी को बीच में छोड़कर ही मैदान से बाहर चले गए थे। रोहित उस चोट से अभी उभरे ही थे कि नेट्स में एक बार फिर उनके हाथ पर गेंद लग गई। गेंद लगने से वो दर्द से कराह उठे, जिसके बाद फिजियो ने उनकी जाँच की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले केंटिंगे पार्क में प्रैक्टिस के समय भारतीय कप्तान के बाएं हाथ पर गेंद लगी। श्रीलंकाई थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट नुवान ने उन्हें बैटिंग प्रैक्टिस करा रहे थे। गेंद अचानक उछलकर उनके ग्लव्स पर लग गई, जिसके बाद वो दर्द से कराहते हुए दिखे। फिजियो की जांच के बाद उन्होंने कुछ देर दूसरे छोर से बल्लेबाजी की और फिर कुछ देर बाद चले गए। अमेरिका पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है और यहाँ की पिचों को लेकर लगातार सवाल उठे जा रहे हैं। प्लेयर्स पर चोट का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी भी रिपोर्ट है कि BCCI ने ICC से पिच को लेकर शिकायत की है। तो हम कामना करते हैं कि आने वाला इंडिया पाकिस्तान की मुकाबले से पहले रोहित शर्मा पूरे तरीके से फिट हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान की मुकाबला हमेशा से अमेजिंग होता है, बहुत ही फाइटिंग वाला मुकाबला होता है। तो हम नहीं चाहते कि रोहित शर्मा की न होने से हम अपने आप को कमजोर महसूस करें। रोहित शर्मा और शाहीन शाह अफरीदी का वो मोमेंट हम दोबारा से देखना चाहते हैं।